क्योंकि मसाला लाइट भी तो बढ़ेगी। हाँ तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है AV7000 के साथ। आज थोड़ा सो के लेट उठे हैं क्योंकि रात सोने में ही भाई 4 बजा दिए लोगों ने ना, पार्टी वार्टी कल की थी तो अच्छी पार्टी चली थी। तो अभी फ़िलहाल रेडी होके बैठे हैं और 5 मिनट में हम निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर लोकल, एक तो जो गार्डन है वहाँ घूमने के लिए काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। आप कभी आएँ तो मैं मैंशन करूँगा, एक बार ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। फिर आज थोड़ी लोकल मार्केट में भी जाना है सामान वगैरह लेने, तो चलो। और ये हम आ गए भाई घंटाघर, श्रीनगर जगह का नाम है घंटाघर। जैसे हर जगह पे घंटाघर होते हैं, क्लॉक टावर, तो वो ये मार्केट है। सामने ड्राई फ्रूट की दुकान है पूरी मार्केट, कितनी खूबसूरत मार्केट आप देखो। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे काम का मिल सकता है। ड्राई फ्रूट तो लेके ही जाने पड़ेंगे। ये देखो आज भी वही पुरानी कारिस्तानी, कोई ये नहीं कि मशीनरी के द्वारा बनाए जाए, चाकू में धार लगाई जाए, लेकिन सब पुराना। कितना मज़ा आता है देख के ये सारी चीज़ें। ये सामने क्लॉक टावर घंटाघर, अभी इसमें काम चल रहा है। सामने घड़ी भी आपको दिखेगी, अभी इसकी रेनोवेशन चल रही है। ये आगे थोड़ा चलेंगे तो लेफ्ट में मंदिर भी आएगा एक। तो भाइयों अब आ चुके हैं हम बेमिना, इस जगह का नाम है, और ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ की बर्तनों की। मैं आपको सारा दिखाता हूँ, अभी पूरी मार्केट घूमने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या खास है इन बर्तनों में। बर्तन तांबे के हर जगह ही मिलते हैं, लेकिन इनमें क्या खास है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आइए मुझे थोड़ा चला प्लेन पान जाके जी गिरा, नहीं इसको वो करना है ना, पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पॉलिश जैसे अपने वहां रखी थी वो। हाँ ये देखो श्रीनगर में ये दुकान है, और लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी ये दुकान है, और सिर्फ तांबे के बर्तनों का ही काम है, इनका पुश्तैनी काम है। एक बार खाना इसमें बनाया खाया तो दोबारा किसी और बर्तन में आप बनाओगे नहीं, ये इनकी गारंटी होती है। ये भाईजान जो है चैलेंज करते हैं कि अगर 4-5 साल बाद भी अगर बर्तन में कोई कमी आ जाए, खराबी आ जाए, तो वापस आए, बर्तन दे जाए, पैसे ले जाए, ये इनका चैलेंज करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा इनका काम है। और आप मतलब डिज़ाइन देखोगे तो ऐसे तांबे के बर्तन मैंने तो कहीं देखे नहीं है, अपनी लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पर लेने भी आ गया हूँ। घर में कभी कुछ जलाते हैं खुशबू वगैरह, उसके लिए आ गया, उसमें थोड़ी आग रहती है तो उसके ऊपर वो जैसे धूप हो गई कुछ धुनी टाइप ये सब सिस्टम चल रहा है। हाँ ये बनाने वाले इसमें बनता है। हाँ ये ब्लैक में ना जच रहा है ना, बाहर से है ना ब्लैक, प्लेट में भी ऐसे ही डिजाइन आता है इसमें, जो भी मर्जी सब्जी चावल जो ये आपने देखा होगा अपने वहाँ शहरों में, जो फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए जो मिलते हैं वो आर्टिफिशियल चीज़ें, ये तांबे का। इसमें फ्रूट रखो आप, कोई भी लिक्विड, कोई खीर रखो, कुछ भी रखो, सब चीज़ में काम आता है। देखो कितना सुंदर बनाया है, ये नहीं किया दिल्ली से फिर आना जाना लाएंगे ना दिल्ली से। आप थाली प्लेट, थाली मतलब खाने वाला थाली, प्लेट पापा जेट शासन, यही है ना प्लेट थाली का ना, आप तो यही तो है प्लेट, प्लेट तो यही, कल नहीं खाए थे हमने चावल, यही तो है प्लेट। इसमें दो साइज, ये छोटा वाला भी मिलेगा, ये साइज भी है, ये साइज से तो बड़ा चाहिए भाई, इससे बड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी दीजिए क्या, इससे बड़ी दीजिए पतीला, अच्छा ब्लैक। डिज़ाइन इनके पास हर तरह के हैं, जो आप बोलोगे वैसा भी डिज़ाइन बना देते हैं। कि पूरी दुकान में देखो कितने बर्तन रखे अलग अलग डिज़ाइन के, और ये जो चांदी का इस पर वर्क हो रखा है, यानी कि तांबे के ऊपर में भी ये वर्क करते हैं, जो खूबसूरती को और बढ़ा देता है। वजन देखोगे बर्तन का तो वजन देखो, सुंदरता देखो, खाना अगर इसमें बन जाए तो फिर तो बात ही क्या है, इतना मतलब मज़ा, स्वादिष्ट खाना बनता है, ना बीमारी कोई आपके नज़दीक आ सकती है। एल्युमिनियम में जितना भी खाना बनता है सब में बीमारी होती है, तांबा तो तांबा ही आपको पता है, इसीलिए महंगा भी होता है लेकिन लॉन्ग लाइफ होता है। लाइट ये है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब कि तांबा, एक तो तांबा हो गया इसके ऊपर में ये चांदी के कलर का, ये देखो कितना सुंदर, मतलब कल मैंने इसी में चावल खाए थे अंकल के घर, तभी हमारा प्लान बना है कि हम चलते हैं मार्केट में जहाँ पे दुकान है, तो अंकल ये हमें लेके आए हैं, कितना जबरदस्त यार ये मतलब चीज़ है। 6 लेते हैं, आधा दर्जन
मतलब लेना जो कोशिश करना जो यूज हो जाए, हाँ वही आइटम लेना जो यूज हो, नहीं तो फायदा क्या है ना। जी मैं तो कल से आज होटल आगे से कर रहा हूं, इसी में चल करो। ये तो थोड़ी पड़ेगी। इसमें आप दूध भी गरम कर सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, ऑल इन वन है। ये नहीं है कि इसमें दूध गरम कर दिया और सब्जी नहीं बना पाएंगे। सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, नॉन वेज बनाओ, वेज बनाओ, वो आपके ऊपर है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, बीमारी से भी बचेगा और लॉन्ग लाइफ चलेगा। और आपको खाने में जो मतलब मेन जो है वो टेस्ट है। पहले जो हुआ करते थे, इतने लंबे लंबे उम्र तक लोग जिया करते थे, यही एक रीज़न हुआ करता था। अभी सब चीज़ें बनावटी आ रखी हैं, दिखावटी सब टोटल। तो ये हमारा जो हमने दिखाया सब हमने लिया है, अभी दो दिन में तैयार होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। नाम दुकान का और जगह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय।